भाई लोग, आप सबने एक बात को नोटिस किया, जो कोच केकेआर के साथ आईपीएल में जुड़े थे उन्होंने कुछ समय के बाद वापस से ज्वाइन करके पहले ही साल में केकेआर को आईपीएल की ट्रॉफी जीता दी। और वही कोच राइट नाउ टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। और वही इंसान ने फर्स्ट डे ऑफ द इंडियन हेड कोच ऑन द मैच, तो पहले ही मैच में कमाल कर दिया भाई टीम इंडिया ने, श्रीलंका को कितने बड़े मार्जिन से हराए और पूरा ऑल आउट कर देना। ओ माई गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। क्योंकि कोई बंदा आता है पहली ही बार कुछ किसी एक नई टीम को कोच करता है और उस टीम को लीड करने के बाद वो टीम पहली ही बार में पहली ही सीरीज का पहले ही मैच और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाती है, तो भाई साहब नहीं उसमें विराट कोहली, नहीं रोहित शर्मा, नहीं बुमराह और नहीं जडेजा, तो इन सारे प्लेयर्स की कमी होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है हमारे टीम इंडिया के मेंस लड़कों ने। तो होपफुली यही कहना बनता है कि गौतम गंभीर का हेड कोच बनना कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बेस्ट था, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट हेड कोच की लिस्ट में जाए तो आई होप सो कि एमएस धोनी आने वाले सालों में टीम इंडिया को लीड करे, पर वो तो शायद से हो नहीं पाएगा मैं मानता हूँ, क्योंकि वो करेंगे नहीं। और होपफुली जो ये चल रहा है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, क्योंकि जीत का सिलसिला चलता रहे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो वैसे ही गौतम गंभीर के 5 ईयर्स के यानी कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 5 वर्ल्ड कप्स अलग अलग आ रहे हैं, उसमें ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और WTC वर्ल्ड कप भी है। जो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। तो राहुल द्रविड़ के बाद जो ये नए हेड कोच बने हैं, तो भाई साहब टीम में सभी नए लड़के और सभी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज द टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस। और काफ़ी सारे प्लेयर्स जो KKR के साथ, गौतम गंभीर के साथ जुड़े थे और जो पास्ट में भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे सूर्या भाई T20 के कैप्टन बन गए भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में, बस यही बाकी था बनना, तो अब बन चुके हैं। पर उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी गिराव आया नहीं है। मोस्ट ऑफली मैंने देखा है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स कैप्टनशिप की जो हैवीनेस होती है, जो दबाव होता है, उसमें अपने परफॉर्मेंस को लूज कर देते हैं कहीं ना कहीं। पर सूर्या भाई ने 360 फॉर्म दिखा के हेलीकॉप्टर की देश से हर दिशा में छक्के मारे, हर दिशा में चौके मारे और सभी जगह से रन बटोर लिए। तो आई होप सो कि यही जर्नी चलती रहे कंटिन्यूसली, तो मैं तो यही चाहूँगा। और आप सबने नहीं सब देखा तो जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, ओलंपिक स्टार्ट नाउ, क्योंकि ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है जो पेरिस में हो रहा है और अभी भी कुछ मैचेस हो रहे हैं। और आज एक बड़ी बात है, आज वुमेन्स टीम इंडिया का सेमीफिनाले जीतने के बाद आज फाइनल मैच है, वो भी श्रीलंका के सामने। मैं बात कर रहा हूँ ICC एशिया कप की, जो वुमेन्स के बीच में चल रही है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और हमारी मेन्स की सीरीज चल रही है T20 की, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो काफ़ी जगह पे कॉन्सिडेंस है, पर ये जीत का सिलसिला मैं ही चाहूँगा कि फाइनल भी जीत जाए और सीरीज भी जीत जाए। आई होप सो कि हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, परफॉर्मेंस उनको करना है, पर हमारी प्रेज और हमारी जो चीयरनेस उनके साथ होगी, तो डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप के जैसे हम शायद से जीत जाए ये एशिया कप भी और ये सीरीज भी। तो लेट्स गो, आई होप सो कि आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो लगा हो, तो हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखिए, और जो न्यू व्यूवर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना, और अपने भाइयों को बोलो सब्सक्राइब करने को। तो लेट्स गो, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। और अभी तो बारिश करने वाली है, तो आई होप सो कि मैं फटाफट वीडियो ख़त्म करूँ और आपके साथ लगातार हम जुड़ते रहे। तो